तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। यूपी टेट विज्ञापन 2021 पर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। हमारे जितने भी यूपी टीईटी के कैंडिडेट हैं, जो बीएड या जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे साथ जितने भी कैंडिडेट हैं बीएड कर चुके हैं या आपका डीएलएड कर चुके हैं, ठीक है, तो जितने भी हमारे यूपी टेट के कैंडिडेट हैं आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा आज की इस वीडियो को। आज 14 मार्च 2021 है और आज की काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है हमारे यूपी टेट के कैंडिडेटों के लिए। साथ ही साथ जितने भी छात्र जुड़ चुके हैं, अगर आप YouTube चैनल पर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे से कोई भी बड़ी अपडेट आए यूपी टीईटी विज्ञापन 2021 पर आप सभी तक सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट पहुँचाई जा सके। अभी तक की जितनी भी अपडेट आई हैं आप सभी तक पहुँचाई गई सबसे पहले, और आगे भी आप सभी तक सबसे पहले पहुँचाई जाती रहेंगी। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बताते हैं, हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं जो यूपी टीईटी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी के लिए एक हमने टेलीग्राम चैनल बनाया, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं आप काफ़ी सारे छात्र हमारे ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, सर हमने किसी का कोर्स नहीं परचेस का किया है, ठीक है, हमारे पास इतना पैसा नहीं था। तो आप सभी लोगों की यही कमेंट सुनकर हमने एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है सरकारी जॉब विधवा। करंटली इस पर 7,000 से ज़्यादा छात्र जुड़े हुए हैं, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो आप लोग भी, हम ये कहेंगे कि आप लोग जितने भी हमारे छात्र ऐसे छात्र हैं जो अभी कहीं पर भी कोर्स परचेज नहीं किए हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ऐड हो, क्योंकि दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल पर हम लोग ना आपसे कुछ लेंगे, हम आप लोगों को कुछ देंगे ही देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल करा चुके हैं और आगामी दिनों पे, हालांकि हमने कल आपसे कहा था तो हम थोड़ा बिजी होने के कारण कल नहीं डलवा पाए थे, लेकिन कंटेंट हमारे पास आ चुका है, ठीक है। आने वाले दिनों में आज ये कल कभी भी हम लोग डलवा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को हम ये भी नहीं कह सकते कि आज हम डलवा देंगे, नहीं तो अगर वो काम हो नहीं पाया उस टाइम तक तो आप लोगों को भी ख़राब लगता है, ठीक है। तो हम कंटेंट अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, और काफ़ी पहले भी हमने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल कराया था, तब तक आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हमने अवेलेबल कराया, आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल कराए हैं, ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। और हम आगे आने वाले दिनों में आप सभी को और भी ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल कराने वाले हैं, तो आप लोग आज ही जाके सरकारी जॉब विधवा टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यूपी टीईटी विज्ञापन, क्योंकि दोस्तों बड़ी अपडेट है हमारे जितने भी यूपी टीईटी के छात्र हैं उनके लिए। आप लोग भी देख पा रहे होंगे टीईटी की परीक्षा हर साल कराई जाती है, ठीक है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल कुमार, जो आपके भूषण जी हैं चतुर्वेदी, अनिल भूषण चतुर्वेदी ने टीईटी 2020 कराने का प्रस्ताव जो है शासन को भेज दिया था। वहीं प्राधिकारी की ओर से डीएलएड 2020 कराने का भी प्रस्ताव जो है आपका शासन को भेज दिया गया है, ठीक है। अब लाखों अभ्यर्थियों को दोनों प्रमुख परीक्षाओं के आयोजन का इंतजार है। उधर जानकारों का मानना है कि अप्रैल में पंचायत चुनाव होने के कारण अब मई में ही टीईटी 2020 और डीएलएड 2020 परीक्षा कराई जा सकेगी, ठीक है। तो हमारे जितने भी कैंडिडेट थे जो यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, तो आप लोगों यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे थे, साथ ही साथ यहाँ पे सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, सुपर टेट की, ठीक है। आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा सुपर टेट में इस बार करीबन जो है 60,000 वैकेंसी आनी है, ठीक है, हैं तो 51,000, ठीक है, हैं तो 51,000, लेकिन दोस्तों जो पिछली कुछ वैकेंसियाँ, चाहे हम 69,000 की बात कर लें, 68,000 की बात कर लें, ठीक है, तो इनमें कुछ पदों की संख्या रिक्त रह गई है 2200-2300, ठीक है, और भी जितनी वैकेंसियाँ सभी रिक्त पदों को मिलाकर इसमें ऐड किया जाए, छात्रों की ये भी मांग चल रही है, ठीक है, तो इसमें ऐड करेंगे तो 60,000 के करीबन तो पद बनी जाएंगे, ठीक है। तो 51,000 आप लोग मान के चल सकते हैं सुपर टेट की वैकेंसी 51,000 की आएगी, ठीक है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है अब सुपर टेट का, अब इस बयान से ये भी साफ हो गया कि सुपर टेट का जो नोटिफिकेशन है बाद ही में आएगा, अब यूपी टीईटी के एग्ज़ाम पहले ही होंगे। और दोस्तों ये बिल्कुल सही भी था, ठीक है, यूपी टेट का एग्ज़ाम 2020 में होना था, अगर कैंडिडेटों का सुपर टेट का एग्ज़ाम पहले हो जाता, ठीक है, यूपी टीईटी का बाद में होता तो वो छात्रों के साथ कुछ गलत होता, ठीक है, क्योंकि टीईटी का, यूपी टेट का एग्ज़ाम पहले हो जाने से ये होगा कि हाँ छात्रों पर एलिजिबिलिटी, उनकी जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो दोस्तों हो जाएगी, ठीक है, वो लोग के पास यूपी टेट का सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं आप सभी की जो अब यूपी टेट के एग्ज़ाम है अब दोस्तों मई 2021 में कराए जा सकते हैं, ठीक है, मई 2021 यानी कि आप लोगों को हम पहले भी आपको बताया था, ठीक है, और अपडेट बढ़ी है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर जो कर दीजिएगा, अधिक से अधिक छात्रों पर शेयर करना है वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई अपडेट आती है तो आप सभी तक पहुँचाई जाएगी।